इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक बार फिर बड़ा हादसा होने से बचा है। दरअसल रूस के स्पेसक्राफ्ट के कारण इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपनी जगह से थोड़ा खिसक गया। रूसी स्पेसक्राफ्ट इंजन टेस्टिंग के दौरान ये हादसा हुआ और अंतरिक्ष यात्री कुछ देर के लिए इमरजेंसी मोड में चले गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब अंतरिक्ष यात्री ओलेग नोवित्स्की स्पेस स्टेशन में मौजूद सोयूज स्पेसशिप के इंजन की टेस्टिंग कर रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक टेस्टिंग के दौरान अचानक इंजन तेजी से स्टार्ट हो गया और आग फेंकने लगा, जिससे स्पेस स्टेशन अपनी जगह से थोड़ा खिसक गया। ह्यूस्टन में नासा के मिशन कंट्रोल ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को बताया कि स्पेस स्टेशन ने नियंत्रण को खो दिया है, इसलिए उन्हें आपातकालीन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने एक बयान जारी कर कहा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अस्थायी रूप से अपनी जगह से हट गया था, लेकिन बड़े आराम से अपनी जगह पर वापस आ गया। स्पेस स्टेशन पर कोई भी खतरे में नहीं था। बता दें, स्पेस एजेंसी ने इसका खुलासा नहीं किया कि स्पेस स्टेशन अपनी जगह से कितना हटा था और सामान्य होने में कितनी देर लगी। स्पेस स्टेशन पर उस वक्त 7 अंतरिक्ष यात्रियों के अलावा एक रूसी एक्ट्रेस और डायरेक्टर भी मौजूद थे, जो अंतरिक्ष में पहली फिल्म की शूटिंग के लिए गए थे। उन्हें 5 अक्टूबर को अंतरिक्ष में भेजा गया था। अंतरिक्ष में रूसी फिल्म की शूटिंग अब पूरी हो चुकी है और क्रू धरती पर लौट चुका है। फिल्म की शूटिंग के लिए क्रू ने 12 दिन स्पेस में बिताए। इससे पहले जुलाई में भी रूस ने कुछ पलों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के भीतर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों के लिए संकट पैदा कर दिया था। रूस की लापरवाही के चलते इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कुछ समय के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जिसके बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने बड़ी मुश्किल से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर दोबारा नियंत्रण पाया था। ये घटना तब हुई जब रूस की नौका लैब मॉड्यूल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कनेक्ट हो रही थी, जिससे पूरा अंतरिक्ष स्टेशन ही अपने पथ से भटक गया था। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए बनाया गया है। 2 नवंबर 2000 को पहली बार कोई मनुष्य इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को शॉर्ट में ISS भी कहते हैं। ये अंतरिक्ष में मौजूद सबसे बड़ी लैब है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ये एक जगह स्थिर नहीं है, ये करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मुख्यतः 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा रूस का है, इस हिस्से में रूस अपनी रिसर्च करता है। दूसरा हिस्सा US का है, इस हिस्से में अमेरिका और बाकी देशों की लैब है। स्पेस स्टेशन से हम अंतरिक्ष में रहने और काम करने के बारे में काफी कुछ सीख रहे हैं। Presenting VNews app, available on Google Play and App Store. Download it now.